हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें आज आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछे गए बिहार बोर्ड के पिछले 5 साल के क्वेश्चन एनालिसिस को। गाइस, मैं जानता हूं कि आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, लेकिन कोई भी चैप्टर वाइज एनालिसिस नहीं देता है। और दूसरी चीज़ बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा है आंसर, तो ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन भी सही नहीं है। मतलब एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, लेकिन यहां पर आप ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन भी देखोगे और साथ में जो ऑथेंटिक आंसर्स होते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो मैं बात करने जा रहा हूं। तो आज जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिहार बोर्ड के पूछे गए पिछले 5 साल के क्वेश्चन एनालिसिस पे बात करेंगे। अगर इससे पहले बाकी 2 वीडियो बन चुके हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली इस लिंक को आप क्लिक करेंगे और इस लिंक से आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस है, आप क्या करोगे, इस स्क्रीन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप बनाओगे, वीडियो को पॉज करोगे एंड देन वी विल मैच द आंसर। तो वीडियो को पॉज करना था जो आप कर चुके हो, अगर नहीं किए हो तो वीडियो को अभी भी पॉज करो, उसके बाद आंसर बनाओ एंड देन हम लोग मैच कराते हैं। ठीक है, चलो मैचिंग खेलते हैं। अब ये मैचिंग खेलने में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था। सवाल आपका क्या है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एलिमेंट ए बी सी जो दिया गया है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। क्लियर, मतलब आप कैसे जानोगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है +0.86 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट, तो इसमें रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी। याद रखना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस्ड, रिडक्शन मतलब क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी छोटी उसके अंदर रिडक्शन कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन उसी में अगर मुझे यहां पे सिलेक्ट करना है आंसर, तो आंसर के लिए आप क्या देखो कि ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू है +0.68 वोल्ट, बी की वैल्यू कितनी है -2.50 वोल्ट और सी की जो वैल्यू दी गई है वो आई होप सो कि 0.50 वोल्ट। सर ये कहां से आया, क्वेश्चन से आया बाबू। और आपको एक ही चीज याद रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल उसमें ज्यादा होंगे जिसमें क्या चीज का मान ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कि जितना मान छोटा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जितना मान छोटा होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पर बाबू आंसर क्या बन गया, सबसे पहला बना बी, बी की वैल्यू सबसे छोटी है क्योंकि माइनस में है ना, तो सबसे छोटी है तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर बी हो गया। बी के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, सी है, और सी के बाद नेक्स्ट वन इज ए, इज द पॉजिटिव, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी होती है। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे ध्यान देंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आपका आंसर हो गया डी। इसके बाद गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, 2021 के ही अगले क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें आपका बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या कहा था कि एक सेल बना था जिसका नाम था गैल्वेनिक सेल। जब गैल्वेनिक सेल का डिजाइन किया गया था तो जिंक इलेक्ट्रोड लगाया गया था और कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया गया था। यहां पर इस रिएक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और वो गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी होती रहती है, चलता रहता ये है, और यहां पे कॉपर आयंस होंगे, कॉपर आयंस यहां पे आप सुधार लोगे, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, और यहां पे कॉपर आयंस के बाद यहां पर आप क्या कर दोगे, जिंक आयंस Zn2+, बाकी सारी चीजें सही है। ठीक है, यहां पे आप करेक्शन करोगे छोटा सा, ये जो आपको दिखेगा या ऑब्जर्व होगा वो आपको गैल्वेनिक सेल में दिखेंगे। तो सर ये तो गैल्वेनिक सेल ऑप्शन है ही नहीं बेटा, गैल्वेनिक सेल ही को डिजाइन करके डैनियल सेल में बनाया गया है। गैल्वेनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड था और कॉपर इलेक्ट्रोड था, जिंक इलेक्ट्रोड्स को जिंक आयंस में डाला गया, कॉपर इलेक्ट्रोड्स को कॉपर आयंस में डाला गया, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक वायर से इलेक्ट्रोड्स को, लेकिन दो सॉल्यूशन जो थे उनको कनेक्ट किया गया था सॉल्ट ब्रिज से। यही सारी चीजें थी, सिर्फ सॉल्ट ब्रिज को हटा करके वहां पोरस पॉड का इस्तेमाल किया गया था ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे।
तो इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल कर दिया था पोरस पॉड का, और वो सेल कहला गया गैल्वेनिक सेल से, कौन सा, डैनियल सेल। इलेक्ट्रोड वही था, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर किसमें हो सकता है, तो जवाब क्या होगा आपका, आंसर डैनियल सेल। आपने सुधार लिया इस क्वेश्चन को, गलत क्वेश्चन को, और ये आपका आंसर बन गया। स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा इस। चलो स्क्रीनशॉट के बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी यहां तक जो अभी आपने देखा इसके बाद वाले पहलू पे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन। आपको एक बात याद रख लेना पड़ेगा, यानी ये मेमोराइज्ड है, हम इसमें और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या सर मेमोराइज्ड है? कि जब जब रिएक्शंस आपका इक्विलिब्रियम में होगा, किसमें, इक्विलिब्रियम में, तो ई सेल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ई एम एफ, ई सेल कहें या फिर मैं कहूं ई एम एफ, ई एम एफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कब, हमेशा नहीं, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट में ई एम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये मेमोराइज क्वेश्चन था, आई होप सो इसका भी आंसर आपका सही बना होगा। लेकिन अगर नहीं सही बना तो एक बात आपको याद रखना है, वो छोटी सी बात है कि एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ ई एम एफ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चा। चलो इसके बाद गाइज अब जो हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, 2021 में ही सवाल पूछा गया, लेकिन बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा, बड़ा नन्ना सा क्वेश्चन है, और ये छोटा प्यारा नन्ना सा क्वेश्चन आपको बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेल, क्या समझते हैं आप सेकेंडरी सेल से? हम यही समझते हैं सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल होता है। तो बाबू सेल्स दो तरह के होते हैं, एक जिसको प्राइमरी सेल कहते हैं, दूसरा जिसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप उठाकर फेंक दो, क्योंकि वो दोबारा चार्ज नहीं होने वाला। जैसे आपके घर में दीवार पे एक घड़ी लगी होगी, वो घड़ी के अंदर जो बैटरी यूज होता है उसे आप पेंसिल बैटरी कहते हो, लेकिन उसका नाम है लेक्लांचे सेल। जब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये वाली बैटरी जो आपके घर के इन्वर्टर में लगा होगा, तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा चार्ज कर सकते हो। ऐसे सेल को आप कहते हो सेकेंडरी सेल। फिर से मैं बता दूं, प्राइमरी सेल वन टाइम यूज होगा, दोबारा चार्ज नहीं होगा। सेकेंडरी सेल वैसा सेल है जो डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज होगा। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। प्यारा सा छोटा सा डिफिनेशन है, आपको खुद समझ में आ गया होगा, आप खुद का भी डिफिनेशन बना सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया जनरलाइज मैनर में। कहता है इन जनरल क्या, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑकर इन द सेल विच कैन रीयूज, विच कैन रीयूज, यानी दोबारा यूज कर सकते हैं। कब, जब इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तब, आफ्टर चार्जिंग बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन चार्ज करने के बाद। कॉमन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल आर लीड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। दो बैटरी इसमें होता है, एक लीड स्टोरेज और दूसरा निकल कैडमियम। लीड स्टोरेज कौन सा, ये सामने आपके पड़ा है, ये लीड स्टोरेज बैटरी कहलाता है। लेकिन बाबू वही दूसरा जिसको हम कह रहे हैं निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, तो आप ऑब्वियसली है कि वीडियो कैस में देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, तो मोबाइल्स के अंदर जो बैटरी होते हैं ये डिस्चार्ज होकर हम लोग फेंक देते हैं, नहीं ना, फिर से चार्ज करते हैं मोबाइल को, फिर से यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा सेल होता है, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। सिंपल सा डिफिनेशन था सेकेंडरी सेल का, जो आप समझ चुके हो, वैसा सेल, वैसी बैटरी जिसको डिस्चार्ज करके फिर से चार्ज किया जा सके, दोबारा यूज में लाया जा सकता है, उसे आप कहोगे सेकेंडरी सेल। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने भी ले लिया। आगे अगला 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया, दो ही क्वेश्चन पूछा गया, एक ये और दो ये, टोटल तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तीन नंबर का क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो सवाल में कह रहा इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज कौन सा चार्ज होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस दोनों क्वेश्चन को आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे और दो मिनट के अंदर वीडियो को पॉज से फिर से हटाओगे। आई होप सो कि आंसर आपका आ गया होगा। चलते हैं गाइस इसके बाद, वीडियो को पॉज करके हटा देने के बाद अब हम लोग आंसर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर, गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल है, आप इधर ध्यान दे लो। तो सर आंसर तो मिल गया, क्या मिल गया, निगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं, हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा, और जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। ये कंफर्म बात है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड और जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड। कैसे, आप यहां ध्यान दोगे कि जिंक जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब जिंक क्या कर रहा, अपना दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, और ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
जिस इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो ऑब्वियसली है यहां पे आपका आंसर मिल गया क्या कि एनोड वाला कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज, ये गैल्वेनिक सेल है। तो आपसे पूछ रहा है इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज क्या, निगेटिव इलेक्ट्रोड। हो सकता है अगली बार पूछ दे कैथोड इज, तो क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव, लेकिन अभी सवाल आपका एनोड का है तो आपका आंसर ये आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन आपका है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या देखते हो कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स किसी में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, तो दोनों जो आयंस के फॉर्म में कैटायंस और एनायंस वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को आप कहते हो क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे मैं क्या करता हूं कि ये है आपका वाटर, वाटर में आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, या फिर आप नमक को मॉल्टेन स्टेट में ले लेते हो, नमक को पिघला देते हो। तो मैं ये मान रहा हूं कि इसके अंदर गाइस क्या है आपका, इसके अंदर एक मिनट थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया, चलो इसके अंदर आपको एक चीज दिखेगा, वो चीज क्या है सर, तो जब इसके अंदर आप डालोगे इलेक्ट्रोड्स को NaCl को, तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। जैसे ही गाइस आप चार्ज सप्लाई करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, आप क्या देखोगे Na प्लस किसकी तरफ जा रहा, नेगेटिव की तरफ, और Cl माइनस किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो Na प्लस जो जाएगा किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा, और नेगेटिव वाला यहां पे हो जाएगा बाबू क्या, कैथोड, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो सोडियम डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। दूसरा है बाबू क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, एनोड के पास जाएगा, और एनोड के पास जाने के बाद ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बन जाएगा हाफ Cl2, और बेटा यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन सवाल ये उठता है कि फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया या फिर करा, उन्होंने कहा कि वेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज कहां से आ रहा है भाई, तो चार्ज यहां से आ रहा है, ये जो आपने डीसी लगा रखा है, इस डीसी में चार्ज की कैपेबिलिटी है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो W मतलब डिपोजिशन सोडियम का ज्यादा होगा, या फिर क्लोरीन क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि बेटा जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसमें जो हमने बैटरीज लगा रखे हैं, अगर वो बैटरी ज्यादा चार्ज सप्लाई करेगा तो जाहिर सा बात है डिपोजिशन ज्यादा होगा, किसका, सोडियम का, या फिर क्लोरीन गैस का लिब्रेशन ज्यादा होगा। यही बात फैराडे साहब ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कहा। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मेल्ट। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड W इज इक्वल टू Z इनटू Q। ऑब्वियसली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आप क्या लगाओगे, Z लगाओगे, Z यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। डेरिवेशन हमें प्रूव करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमने लिख दिया है। मेनली आपको डेफिनेशन लिखना था यहां पे कि क्या समझते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। सिंपल सा जवाब है आपका, द डिपोजिशन और लिबरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू बी सप्लाइड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे डिपोजिशन उतना ज्यादा होगा, जितना कम चार्ज सप्लाई करोगे डिपोजिशन उतना कम होगा। किसका, बाय द वे सोडियम डिपोजिट हो रहा, आप 100 कूलम्स चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो डिपोजिशन 1 ग्राम का हुआ, लेकिन अगर इसी चार्ज को आप बढ़ा दिए कितना 5000 कूलम चार्ज सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो डिपोजिशन होगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। यही बात फैराडे के फर्स्ट लॉ में मेंशन है। ठीक है, आप देखो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप स्टोर कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 2020 का ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्या बहुत कम क्वेश्चन पूछा, 2021-2020 का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया होगा आपसे। अब बचा क्या, 2019 के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस बार थोड़ा नंबर बढ़ा, 5 मार्क्स के लिए इस बार पूछा था। अब आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंसर बना सकते हो, और फिर हम लोग मिलाएंगे इसके आंसर को। चलते गाइस आगे, 2019 के आंसर के ऊपर, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल टू आंसर क्या, 96500, ये मेमोराइज क्वेश्चन है, और ऐसे भी ये 96500 अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और ये 96500 कैसे आता है मैं आपको बता दूं, आप दो चीज को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो, साइंस के स्टूडेंट ऑब्वियसली है, ये तो हर कोई जान रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करो कि चार्ज ले लो,
और चार्ज को मल्टीप्लाई कर लो गाइस किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। जैसे चार्ज को और एवोगैड्रोस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 × 10⁻²³। जैसे इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करेंगे मैं क्या देखूंगा, अप्रॉक्स वैल्यू आपकी आ चुकी है किसकी, फैराडेज की। ठीक है, तो फैराडेज वन यूनिट कितना होता है 9650। चलेगा, याद रखने वाली चीज है, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट वन पे बात करते हैं 2019 के अगले क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल। अभी मैंने सेकेंडरी सेल का जस्ट इससे पहले ही लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया कि दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वैसा होता है जिसको एक बार यूज करो और दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद वो यूज नहीं हो सकता, ऐसे को प्राइमरी सेल कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसको डिस्चार्ज करने के बाद भी उसको चार्ज किया जा सकता है। इस बैटरी को आप जानते हो, आप कॉमनली इसे पेंसिल बैटरी कहते हो, लेकिन इसका नाम है गाइस लैग्रैन्जे सेल। कौन सा सेल है, लैग्रैन्जे सेल। और दूसरा ये छोटा वाला जो बैटरी आप देख रहे हो इसको मर्क्यूरी सेल कहते हैं। ये दोनों डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज नहीं होता है, इस कारण इसको प्राइमरी सेल कहते हैं। चलते हैं आगे। अ प्राइमरी सेल इज अ बैटरी दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड वंस, वंस मतलब एक बार यूज होगा, दोबारा यूज नहीं होगा। एंड डिस्चार्ज एंड नॉट रिचार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड री यूज। द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ बैटरी इज क्या, ड्राई सेल। इस ड्राई सेल के एग्जांपल में हम बात करते हैं तो पहला होता है लैग्रैन्जे सेल और दूसरा होता है गाइस मर्क्यूरी सेल। ये दो सेल्स यहां पे होंगे, पहला आपका क्या है लैग्रैन्जे सेल और दूसरा कौन सा गाइस मर्क्यूरी सेल। इस दो सेल पे ध्यान देंगे और इसका आप फोटो खींचेंगे। आपने क्या देखा क्वेश्चंस में, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाने, पहला है गाइस प्राइमरी सेल और दूसरा कौन सा सेकेंडरी सेल। दोनों आप समझ चुके हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वन। फिर से वही क्वेश्चन, घिसा पिटा, अभी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन भी किया। आप देखो आपने पढ़ा है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या कहा, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू बी सप्लाइड क्या इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर आप चार्ज बढ़ाते जाओगे तो डिपोजिशन क्या होते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये कान क्लियर, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा भगने से कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम जाएगा मेरा भी जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो सर पहले ही ले चुके हैं, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं जस्ट इसके बाद वाले प्रेफरेंस में। इसके बाद गाइज हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद 2018 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ये एक तो हुआ, तीन क्वेश्चन इसमें और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक और आपको प्लेट का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नाउ नेक्स्ट वन, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मतलब दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वीडियो को थोड़ी ज्यादा देर के लिए पॉज करना क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में, उसके बाद फिर हम लोग आंसर पे डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक। इसके बाद गाइज हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं और ये आंसर में सबसे पहला आंसर आपके सामने है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट एट द एनोड कैथोड आर। सिंपल सी बात है कि आपको क्या इसमें निकालना है, इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है इलेक्ट्रोलाइसिस का, एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है तो मतलब वाटर भी होगा और वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम फ्लोराइड। जैसे हम सोडियम फ्लोराइड डाल रहे हैं, आप देखो यहाँ पे सोडियम जाएगा इस वाटर में और टूट जाएगा कहाँ, Na+ में। Na+ में टूटा, फ्लोरीन किस में टूटेगा, F- में। दूसरी तरफ क्या डाल रहे हो आप, क्या रखे हो, पानी के अंदर डाल रहे हैं ना, तो पानी में वाटर भी डिसोसिएट करेगा H+ में और OH- में। ऑब्वियसली है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ क्या सप्लाई करोगे, निगेटिव, मतलब एक कैथोड है आपके पास तो दूसरा क्या है गाइस, एनोड। नेक्स्ट वन पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो सोडियम है और हाइड्रोजन है दोनों इस तरफ आएगा, लेकिन बाबू प्रोडक्ट जो बनेगा वो हाइड्रोजन का बनेगा, किससे, सोडियम के कंपैरिजन से प्रोडक्ट पहले किसका बनेगा, हाइड्रोजन का बनेगा। तो मतलब सोडियम जब तक डिपॉजिट होगा उससे पहले हाइड्रोजन का डिपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जैसे ही हाइड्रोजन आएगा यहां से आपका हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि सोडियम का प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ही फ्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में बात करते हैं तो फ्लोरीन में अगर आप देखते हो तो फ्लोरीन के अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, क्या चीज की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, इसलिए फ्लोरीन यहां पे जाएगा और फिर यहां पे कौन सा गैस निकलना स्टार्ट कर देगा, फ्लोरीन गैस।
तो राइट आंसर आपका क्या बन गया, बी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कि सोडियम और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का, और फ्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन का। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा, आप बात समझो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटासियम क्लोराइड। बाबू आप रिएक्टिविटी में ध्यान देना ना, आंसर आपका खुद मिल जाएगा। रिएक्टिविटी में आपको कौन से मेटल, क्लोरीन तो तीनों में कॉमन है, क्लोरीन तीनों में कॉमन है, लेकिन मेटल पे अगर ध्यान दे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, आप इतना देख ले, पोटासियम, उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी आती है, सोडियम, उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी आती है, लिथियम की। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, पोटासियम में। क्यों? क्योंकि ये बेटा रिएक्टिव मेटल्स है, रिएक्टिव मेटल है तो इसमें डिसोसिएशन अच्छे होंगे। सोडियम क्लोराइड, इसमें भी डिसोसिएशन होगा लेकिन उससे अच्छा किसमें होगा, पोटासियम में। लेकिन सबसे कम अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कैपेबिलिटी अगर किसी में मिलेगी तो वो हमें किसमें मिलेगी, लिथियम में मिलेगी। इतना सा खाली बात याद रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान देना, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज्यादा नहीं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड बैरियम सल्फाइड इज 400 ओम्स। क्या दिया हुआ आपका, आपका 400 ओम्स मान दिया हुआ है, किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। इक्विवेलेंट एट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना, द केपी ऑफ बैरियम सल्फेट इज, आपको क्या निकालना, केपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पढ़े हो, अगर आप पढ़े हो तो आपका आंसर बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप ध्यान देना, ये क्या है, लैम्डा इक्यू, क्या है, लैम्डा इक्यू, जिसको आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा, ये के नहीं है, ये कप्पा पढ़ेंगे हम लोग, कप्पा इंटू 1000 बाई एम इंटू 2। एम का मतलब क्या होता है गाइस, मोलर मास, और एम इंटू 2 यहां क्यों लिखे, यहां हमें लिखना चाहिए था नॉर्मैलिटी, क्या लिखना था, नॉर्मैलिटी, लेकिन नॉर्मैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर, और यहां पे जो मोलरिटी आपकी आएगी उसी को आप इक्विवेलेंट नंबर से डिसाइड कर लो। सर इक्विवेलेंट नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, यहां देख बैरियम सल्फेट है और जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये बैरियम कितने प्लस में चेंज होगा, 2 प्लस में, तो एम जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा आंसर नॉर्मैलिटी का, तो एम इंटू 2 कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, नॉर्मैलिटी ही डायरेक्ट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस में आप पढ़ोगे तो हमारे नॉर्मैलिटी से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं क्या, नॉर्मैलिटी। अब इसी की वैल्यू हम पुट अप करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो 8 × 10⁵, कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं लोग, चलेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कहें या कंडक्टिविटी कहें, क्वेश्चन में दिया हुआ जिसको हमने यहां उठा दिया 8 × 10⁻⁵, और 1000 को हमने लिख दिया 10⁻³, ताकि ये काटने में आसान हो, काटने में आसान हो तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² क्या 2, ये आ गया, डिवाइड कर देंगे किससे, 2 तो अपने जगह पे और 400 यहां पे क्या आ गया, 400 एम नहीं आया, एम को हमने बाहर कर दिया, लेमडा इक्यू को यहां डाल दिया, लेमडा इक्यू, क्योंकि एम जो है वो हमें निकालना है, तो लेमडा इक्यू को हमने डाला, और लेमडा इक्यू का मान देखो यहां पे क्या दिया हुआ, 400 को हमने पुटअप कर दिया, तो जैसे यहां पे 400 को हम पुटअप करेंगे तो ओवरऑल हमारा कंसंट्रेशन का मान आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो गया गाइस। ठीक है, 800 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 800 को ऐसे लिख सकते हो, 8 × 10⁻⁷ है ना, तो क्या लिखेंगे, 2, 8 से 8 कैंसिल, ये ऊपर गया तो क्या बच गया, 10⁻⁴, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया मोलैरिटी, क्या गया, मोलैरिटी। और जैसे मोलैरिटी आपका आया तो यहां पे आप जान रहे हो कि ये बैरियम सल्फेट जब डिसोसिएट कर रहा तो दो फॉर्म में डिसोसिएट कर रहा, Ba2+ और दूसरा कौन, SO4 2-, बड़ा आसान है क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो, क्या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, एकदम उसके बाद फिर रगड़ दोगे क्वेश्चन को, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। बात करते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना आ रहा, 10⁻⁴, और वैसे ही केएसपी अगर निकालना है तो Ba+ SO4- दोनों को मोलैरिटी से दुगना कर देंगे, और दुगना का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ m², ये आपका आंसर बन गया किसका,
आपका आंसर आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आपका दिया हुआ था उसमें आपने किसका मान निकाल दिया, केपी का मान निकाल दिया। ज्यादा थोड़ा गिना गया इसलिए मैं हटा देता हूं। ऐसे केस में आप इसको ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट बना लो, क्वेश्चन काफी आसान सा है, आंसर आपका आसान तरीके से सॉल्व भी हो गया। थर्ड के बाद गाइज अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डिफाइन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे जो आपको डिफाइन करना वो इलेक्ट्रोड डिफाइन करना और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोड के बारे में और उसके बाद बात करूंगा किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या है, जनरली हर कोई जान रहा होगा, एन इलेक्ट्रोड इज अ सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दे आर टू टाइप्स, एनोड एंड कैथोड। एनोड वो पार्ट होगा जहां क्या होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड वो पार्ट होगा जहां क्या होगा रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ कि बेटा आपने एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज आपने डाल दिया। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिला करके आप इसको क्या बोलोगे, कैथोड और एनोड। दूसरे में आते हैं जिसको आप कह रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है मेटल और मेटल आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर मेटल आयंस से मेटल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहेंगे, जब ये स्टैंडर्ड होगा, लेकिन अभी सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोला। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद। यहां तक तो बात समझ में आ गई इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, छोटा सा डेफिनेशन है, आपने पढ़ा भी होगा। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो इसी को आप क्या कह सकते हो, कंडक्टिविटी के नाम से भी बुला सकते हो। और यहां पर जो आपका होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसका डेफिनेशन कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चार चीज आप समझ लो, आपका ये कहानी खत्म। सबसे पहले आप जानते हो रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रतिरोधक होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू, लेंथ के या एरिया के। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बाई एरिया। तो मैं इसे कह सकता हूं आर इज इक्वल टू, अगर कॉन्स्टेंट लेंगे तो रो इन टू लेंथ बाई एरिया। ओवरऑल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रो इन टू लेंथ बाई एरिया। ये कह सकते हैं, ये रेसिस्टेंस का हो गया। रेसिस्टेंस के बाद अगला होता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है सर, जस्ट अभी आप देखो, अभी आप जो ये फॉर्मूला पढ़े उसी से मैं रेसिस्टिविटी आपको बता देता हूं। ये है रेसिस्टिविटी, या इसी को आप कह सकते हो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या नाम बोला सकते हैं बाबू, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से बुला सकते हैं। और ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिखते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू आर बाय लेंथ, ये ना आएगा क्या रो, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हुआ। उसके बाद है गाइस अगला जिसको आप क्या नाम दोगे, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को कहोगे जी। तो यहां पे जी इज इक्वल टू जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का, कौन जी, दैट इज कंडक्टेंस। मिनट कंडक्टिविटी हो गया, उल्टा लिखा गया, कंडक्टेंस, सी ओ एन डी यू सी टी ए एन सी ई, कंडक्टेंस। उसके बाद अगला हो जाएगा जिसको आप कहोगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होता है उसको डिनोट करते हैं कप्पा से, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टिविटी का। यही चार चीज है जिसको आपको समझना, और इसी से बाबू सवाल भी पूछे गए हैं। पहला कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिंपल है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कप्पा से, और कप्पा निकालने का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट इंटू कंडक्टेंस। ये भी एक तरीका, एक तरीका तो अभी हमने आपको बताया कि कप्पा इज इक्वल टू वन अपॉन क्या, रेसिस्टिविटी, ऐसे भी आ जाएगा आपका। दूसरा बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो निकालना है वो क्या करना, कप्पा को इंटू वी, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब क्या है, एक मेरे पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मैंने दो इलेक्ट्रोड्स बना रखे हैं पॉजिटिव और दूसरा गाइस नेगेटिव।
अब इसमें जो हमने सॉल्यूशन डाल रखा है वो सॉल्यूशन क्या है, 1n, मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी, 1n है, नॉर्मेलिटी 1n है, और उसमें जो कंडक्टिविटी हमें मिल रही है उस कंडक्टिविटी को हम नाम देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर से बात समझ लेना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी जिसमें सॉल्यूशन का जो आपका वैल्यू है वो क्या है, 1n है, मतलब वो सॉल्यूशन 1 नॉर्मेलिटी है, और उसमें जो कंडक्टिविटी आपको मिलेगी उसे आप कहोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो छोटा सा छोटा ये दो डिफिनेशन आपका ये कंप्लीट करता है 2018 के इस क्वेश्चन को। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू 2018 के अगले क्वेश्चंस के ऊपर, जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखा जाए, दो मिनट लगेगा, बन जाएगा, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा, मतलब यहां पे अगर मैं Fe लूं तो Fe2 में कन्वर्ट होगा, ये किसका काम करेगा, एनोड का। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैं स्टार्टिंग के वीडियो से मैं आपको समझाते चला जा रहा हूं कि जब जब आपका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड का काम करेगा। तो मान के चलो कि ये रड आयरन का है और इसमें सॉल्यूशन क्या है, Fe2+ है, तो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मींस कि दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन, मींस कि ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहां पे ये काम करेगा किसका, एनोड का, और एनोड यहां पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। वही अगर मैं बात करूं दूसरा, यहां पे क्या हो रहा है कि कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहा है किसमें, कॉपर आयंस, कॉपर में। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, और गेन जहां हो वहां पे रिडक्शन होते हैं, और रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड्स कहलाता है कैथोड। तो 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक, वही चीज मैंने लिखा है एनोड, और यहां पे क्या होगा, कैथोड, क्योंकि आपका सवाल कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सेल आपने बना लिया, वैसे दूसरा सेल बना लो, Fe2+, Fe3+ किसमें चेंज हो रहा, Fe2+ में। नहीं 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 नहीं, यहां पर एक चीज क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पे एक जगह पे ये चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे माइनस होना चाहिए, माइनस, ठीक है, 2Cl- जो किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोरीन में। तो ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेल्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस, गैल्वेनिक सेल वाला ही है, आप उस पर लॉजिक लगाओगे आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 2017 का, ये दो क्वेश्चन है, फैराडे सेकंड लॉ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर बड़ा आसान है, इसका आंसर बहुत आसान से बनेगा। जैसे फैराडे का जो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, मास डिपॉजिट इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, आंसर क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो अभी मैंने कहा ना नॉर्मेलिटी वाला जो कंडीशन में आपको अप्लाई कर रहा हूं, वही चीज हो जाता है आपका आंसर में, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। आगे आते हैं गाइस, इसके बाद अगले क्वेश्चंस के ऊपर, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपने समझ लिया कि जब जितना ज्यादा चार्ज आप सप्लाई करोगे डिपोजिशन उतना ज्यादा होगा, लेकिन सेकंड, फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, ध्यान देना, दो सॉल्यूशन था, एक में हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे में डाला कॉपर सल्फेट, दोनों को एक सीरीज से कनेक्ट कर दिया, दोनों में सेम क्वांटिटी चार्ज सप्लाई हो रही है, लेकिन यहां पर इस सॉल्यूशन में सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है एज कंपेयर टू कॉपर के। फैराडे साहब परेशान कि भैया ऐसा क्यों हो रहा, जब सेम क्वांटिटी चार्ज हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ये ज्यादा डिपॉजिट क्यों हो रहा और वो कम क्यों हो रहा। तो पता चलता है कि भैया इसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, किसका, सिल्वर का, और कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कम होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे साहब ने यह बात प्रूव कर दिया कि जो मास ऑफ डिपोजिशन और वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इक्विवेलेंट मास के, किसमें, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। यहां तक कहानी खत्म, अगला थर्ड है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कप्पा के बारे में, और कप्पा को हमने कहा ना कि ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टिविटी का। तो आप कह सकते हो कप्पा इज इक्वल टू 1/ रेसिस्टिविटी, या फिर ये भी कह सकते हो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट इंटू कंडक्टेंस, ऐसे भी आ जाएगा। मोलर कंडक्टेंस, इससे पहले था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मैंने क्या कहा था, कंडक्टिविटी ऑकर इन 1n कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हो। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ये है कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये मेरे पास बेटा एक कंटेनर, और इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है और इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी देख रहा हूं, लेकिन ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 1m है,
कंडक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन किसमें? 1 mm कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी हमें मिलेगी वो कंडक्टिविटी आपकी कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। और ऊपर वाला तो डेफिनेशन आपने इससे पहले वाले में ही देख लिया है, क्वेश्चन क्या किया, रिपीट किया, तो याद रहेगा ये। द कंडक्टिविटी विल ऑब्जर्व एट द 1 mm कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। दोनों का कहानी खत्म, ये लास्ट ही क्वेश्चन था 2017 का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे, अगले चैप्टर के टॉपिक को। आज का आपका क्वेश्चन और आंसर यही खत्म होता है। थैंक यू एंड बाय। आई थिंक सो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लो।